टू माई चैनल. सो आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टूडे एंड ही इज अंकित महाजन सर. तो एक्चुअली वो मेरे भी सर थे, मैंने भी उनसे सी एस आई आर नेट की कोचिंग की हुई है एक बारी. आई हैव एक्सपीरियंस हिम वर्किंग इन अ वेरी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट. ही हैज क्लियर्ड आई आई टी जैम, सी एस आई आर नेट, वो भी जे आर एफ में, देन डी बी टी, देन योर गेट. तो इतने सारे उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है एंड ही हैज नियरली अबाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इट एंड ही हैज बीन टीचिंग फ्रॉम 5 ईयर्स. तो एक्चुअल में मेरा था कि सर ज्यादातर जो डिस्कस करते थे अबाउट द स्ट्रैटेजीज, दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट ही हैज बेसिकली अटेन्ड और यू कैन से कि यूज्ड इन योर इन क्लियरिंग देयर नेट, राइट. तो क्या होता है कई बार हम लोगों को ना एक सीक्रेट फॉर्मूला पता चल जाता है किसी का कि किस तरह से उन्होंने अपना जो नेट था वो क्वालिफाई किया था. तो वैसे ही हम लोगों को मैं चाहती थी कि मेरी ऑडियंस को पता चले, जो सी एस आई आर नेट बार बार दे रहे हैं उनको एक्चुअल में कई बार नहीं पता चलता. अब मेरी तो पूरी लाइन डिफरेंट चले गई थी बिकॉज आई वॉज अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स टीचिंग द क्लासेस फ्रॉम द 6th to 12th और 11th 12th को भी नीट वगैरह के लिए स्पेसिफिकली, राइट. तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था. तो मैंने ऐसे ही अपनी नॉलेज वगैरह गेन करने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सी एस आई आर नेट की कोचिंग ली थी. तो उस टाइम पीरियड में आई हैव केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट. तो कॉम्पिटिशन जिसको पसंद है, जो लिटरली ये चीज करना चाहते हैं, तो उनको एक मेंटोर की जरूरत होती ही होती है, गाइड करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है. तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा एक्सपीरियंस था सर के साथ वो काफी ज्यादा अच्छा था. तो उन्होंने कितने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो उनको काफी ज्यादा उन्होंने एक्चुअल में रिसर्च में जाना जरूरी नहीं समझा और पीएचडी वगैरह की तरफ नहीं, उनका टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था. तो उन्होंने सारे क्लियर किए थे. वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव माइंड है जैसे आप बोल सकते हो उनके पास, और वो जो रीजनिंग बताते हैं और जो क्वेश्चंस बताते हैं, और मोस्टली जो ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किए थे जब मैंने खुद का नेट का एग्जाम दिया था, तो काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो जो सर ने हमें कराए हुए थे वो काफी सारे उसमें इंक्लूड हुए थे. ठीक है, अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो तो उसका गारंटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर इस तरह से एक्चुअल में पढ़ाते हैं कि ज्यादा यू कैन से कि फ्रैंक भी नहीं होते और ज्यादा ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है. सो अ बैलेंस इज बेसिकली नीडेड इन दिस, राइट. एक बैलेंस चाहिए होता है हर एक टीचर का जो उसको एक परफेक्ट टीचर बनाता है, कि उसकी फ्रैंकनेस और उसकी स्ट्रिक्टनेस दोनों एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए, तभी एक बच्चा ग्रो कर पाता है और सीख पाता है. तो वो सारी की सारी चीजें, एक कॉम्पिटेटिवनेस, एक मोटिवेशन यू कैन से. और कई बार हम लोग हो जाते थे कि नहीं हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, नेट वगैरह नहीं हो पाएगा, बट सर की जो मोटिवेशन होती थी और सर को होता था कि नहीं यू कैन डू इट, राइट. तो वो वाली चीज, और साथ में सर को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा का सारा कवर अप किया है, सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे क्लियर किए हैं, है ना. तो उनको काफी ज्यादा नॉलेज रही है, तो वो बार बार एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं इधर उधर. उनको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी चीज है. एक होता है एक नॉर्मल टीचर है, ठीक है, एक नॉर्मल टीचर है, वो उसने पीएचडी कर ली नेट क्वालिफाई करने के बाद, और ठीक है उसने बस नेट क्वालिफाई किया था बिल्कुल सिरेबे टाइप, है ना. तो सर वॉज नॉट लाइक दैट. सर का एक्चुअली में फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ था, और उनके अंदर ना वो वाली एक्चुअल में चीज है कि कॉम्पिटिटिवनेस, राइट. तो जिनको कॉम्पिटिशन बार बार करने में मजा आता है, बार बार एग्जाम्स देने में, अलग अलग जो पढ़ाव आते हैं बेसिकली उसको पार करने में मजा आता है, तो वो उस टाइप का सारा जो है, वो सारे गुण जिसको आप बोल सकते हो वो सर में है एक्चुअल में. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. तो काफी ज्यादा मजा भी आता था. तो मेरे को हमेशा से था कि सर के कॉन्टैक्ट में आई वॉज, तो मेरे को था कि जो उनकी स्ट्रैटेजीज रही हैं मैं अपने चैनल पे उनको इनवाइट करूं, और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि सर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भी मैं चैनल पे आऊंगा. और सर ना एक्चुअल में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सर, 10 दिसंबर से सर वैसे बाकी के सारे डिटेल्स जो है आपको बता देंगे कि उन्होंने कौन कौन सा स्टार्ट किया है. इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही है ना, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं पर्टिकुलर जगह पे. वैसे तो सर चंडीगढ़ में ज्यादातर कोचिंग देते हैं, बट नाउ डेज ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है ना, तो ऑनलाइन का और ज्यादा बेनिफिट है. और उनकी जो मतलब
फीस है वो काफी ज्यादा कम है, बिकॉज CSIR नेट की अगर आप कोचिंग करने जाते हो तो पीजी का अलग खर्चा पड़ता है आपको, है ना। नॉर्मल सिटीज में तो वैसे टीचर CSIR नेट क्वालिफाइड या JRF क्वालिफाइड आपको नहीं मिलते हैं, तो यू हैव टू गो टू सम अदर सिटीज फॉर दैट, राइट। तो वो अदर सिटीज में जाने वाला कोई पंगा ही नहीं रहा, सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाता है। जब आपको लेक्चर्स देखने आप देख सकते हो, और जो डेमो क्लासेस वाला लेक्चर है यू कैन ऑल्सो वॉच इन हिज चैनल अंकित महाजन बायोलॉजी क्लासेस से है वो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी। अगर आपको कुछ और डिटेल्स भी उनसे पूछनी है तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन कॉल हिम एनी टाइम, राइट। तो आप उनको कॉल कर सकते हो, और 10 December से उनका नया बैच भी स्टार्ट होने लगा है, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट, राइट। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो वैसे तो आज मैंने उनको इनवाइट किया है अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बताने के लिए कि हाउ ही हैव मैनेज्ड ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स, राइट, जितने भी हैं, ये IIT जैम हो गया, गेट हो गया, JRF हो गया, ये एक बार में करना थोड़ा हम लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना, बट ही हैज डन ऑल दीज थिंग्स। तो उनमें एक कॉम्पिटेटिव नेचर है, और जिनमें कॉम्पिटेटिव नेचर होते हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि ये चीजें मुझे कवर करनी है, किस किस तरह से मुझे चीजें कवर करनी है, और वो आपको उसी तरह से गाइड कर सकते हैं, है ना। तो और वो भी मिनिमल सी फीस है, अगर आप देखोगे वो आपको सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे, और अगर आपको पूरी की पूरी उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, देन डेमो क्लास यू हैव टू वॉच, राइट। तो डेमो क्लास आप उनकी YouTube वाले चैनल पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। सो नाउ इज द टाइम फॉर द सर, सो थैंक यू, बाय बाय। Thanks, Vidaksha, for inviting me on your channel. Let's begin this with my brief introduction. Hello all, my name is Ankit Mahajan and I'm a tutor for CSIR NET license exam. This is the list of exams which I have qualified, and for the last 5 years I have been teaching and guiding the students to help them crack these target exams. So, पिछले 5 साल से मैं students को teach कर रहा हूँ चंडीगढ़ में, and बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए, एंड आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज स्ट्रेटजी, ठीक है। सो आज हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारी दो लेवल पे काम करेगी, जब हम स्टडी करेंगे, जब हम प्रेपरेशन करेंगे, एंड सेकेंड जब हम एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, एग्जाम टाइम पे। नाउ उससे पहले मैं पहले कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। सो स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। सो सबसे पहले आप डाउनलोड करो CSIR की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर इसके इस एग्जाम का सिलेबस अवेलेबल होगा, ठीक है। आप सिलेबस डाउनलोड करोगे क्योंकि तभी आप स्ट्रेटजी को बना पाओगे। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे वहां पर 13 units है, ठीक है। सो पहले इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, सो इस एग्जाम में 3 parts होंगे। सो पार्ट ए इज प्योरली बेस्ड ऑन द जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी एंड पार्ट सी बिलोंग्स टू द लाइफ साइंस टॉपिक्स, बायोलॉजी टॉपिक्स। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का होगा, एंड टोटल जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे दोज आर 20, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks, सो दैट मेक्स 30 marks। इन केस ऑफ पार्ट बी टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल आर 50, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 35, each question carries 2 marks, that makes 70 marks. In case of part C, total number of questions available are 75, and we have to attempt a maximum number of 25. Each question carries 4 marks, that makes 100 marks. Overall, हमारे पास 200 marks का ये question paper set हो जाएगा. So, ये जो exam है 200 marks का होगा, and हर बार इसकी cut-off vary करती है, ठीक है? So, now, 13 units है, ठीक है। 13 units की बात करें तो जरूरी नहीं है कि 13 के 13 units आप प्रिपेयर करके जाओ तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, लेस देन 13 भी करोगे तभी हो जाएगा, बट मिनिमम इज 9 units, मिनिमम 9 होने चाहिए, 9 से कम नहीं होने चाहिए। मेरे केस में मैंने 9 to 10 units को प्रिपेयर किया था अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मतलब ये हुआ कि डीपली नॉलेज होनी चाहिए, थॉरली नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। अब इसके स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, स्टार्टिंग में इसे करेंगे पढ़ने से, ठीक है।
सो बुक्स के लिए अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो उस केस में आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, लेनिंजर पढ़ सकते हो बायोकेमिस्ट्री के लिए, क्यूबे पढ़ सकते हो इम्यूनोलॉजी के लिए, गिलबर्ट बुक पढ़ सकते हो फॉर द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्सेट्रा, ऐसे आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक मिल जाएंगी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप देख सकते हो ना। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, तो उस केस में आप जो मार्केट में कॉम्पिटेटिव बुक्स अवेलेबल है लाइफ साइंस के लिए आप वो भी पढ़ सकते हो, एंड उनमें सबसे बेस्ट जो है दैट इज पाथफाइंडर। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा, एंड आई गेस आप सभी के पास, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास ये बुक होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे केस में भी मैंने पाथफाइंडर की बुक्स को पढ़ के ही क्वालिफाई किया था, पाथफाइंडर की बुक्स की थोड़ी गाइडेंस भी थी, ठीक है। नाउ बुक्स आ गए तो वो आपके टाइम पे बेसिस पे आ जाएगा। नाउ मैं बात कर रहा हूं उसके बाद स्मार्ट वर्क की। पहले स्मार्ट वर्क का मतलब ये है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो दो टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, या तो वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे या तो किसी के अंडर गाइडेंस में कर रहे होंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो बाय ऑन अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आपका थोड़ा जो काम होगा वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जो कहीं से गाइडेंस ले रहा है। तो मतलब क्या है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पहले ये देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि जो रेफरेंस बुक है उसमें सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आते या अभी तक आए भी नहीं है, ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले आपको उन टॉपिक्स को ढूंढना होगा। आप टॉपिक कैसे ढूंढोगे, आप एक काम कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो भी 5 to 10 years की क्वेश्चन पेपर है उनको डाउनलोड कर सकते हो, या मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल है जो आपको देती है प्रिंट आउट फॉर्म में इसका, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, एंड फिर उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप उन टॉपिक्स को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकते हो, आप उनकी फिर थोड़ा स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ये चीज कर सकते हो। नाउ अगर आप गाइडेंस में हो, गाइडेंस का मतलब है कि अगर आपको कोई बताने वाला है, बताने वाला आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बताने वाला आपको कोई टीचर हो सकता है जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, आपके फ्रेंड को हो सकती है, टीचर को हो सकती है, नाउ तो क्योंकि जो गाइड करेगा ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं तो 5 साल तो टीचिंग का एक्सपीरियंस हो गया, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था उसका मेरा अपना एक्सपीरियंस हो गया। तो जो गाइडेंस में आपको हेल्प ये मिल सकती है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बताया जाएगा कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं और इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं टीच करता हूं क्लास में, तो अगर कोई टॉपिक मैं टीच कर रहा हूं, टीच करने के बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बेसिस पे 5 to 10 years के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं सभी के सभी क्वेश्चन क्लास में उसको सॉल्व करवाता हूं एज अ टेस्ट, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ भाई इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ योगी बुक्स की एंड स्मार्ट वर्क की डिस्कस करेंगे टाइम फॉर स्टडी के बारे में। सो इट इज अ मिथ जो लोग बोलते हैं कि मिनिमम 8 to 10 hours पढ़ना पड़ता है फिर जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जाम क्वालिफाई ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम पढ़े, एग्जाम क्वालिफाई इस बेसिस पे मैटर करता है कि आपको कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, आपको जो आता है वो कितने अच्छे से आता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बस क्रैम करते हैं, कंसेप्ट को समझ से नहीं, बस क्रैम करते हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंसेप्ट आता है बट इंप्लीमेंट करना नहीं आता, वहां पे मुश्किल हो जाती है। बट जो लोग जिनको कंसेप्ट पता है एंड जिनको इंप्लीमेंट करना आता है उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना ईजी हो जाता है। तो डजेंट मैटर कि आपने कितना टाइम स्टडी किया, बस आपको ये श्योर करना है कि आपने सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है, एंड उनकी आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से आती है। सो नेक्स्ट इज ये था स्टडी का टाइम, अगर पढ़ते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एग्जाम टाइम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एग्जाम टाइम में मेन दो बातों का ध्यान रखना है, व्हाट इज फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेकंड इज द टाइम मैनेजमेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करें तो उस केस में मैं क्या आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 4 options है, ठीक है, आपको चूज करना इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में आपको सेकंड कंडीशन ये है कि आपको ये भी पता है कि उनमें से 3 statements आपको पता कि वो करेक्ट है, ठीक है, फोर्थ के बारे में आपको नहीं पता कि वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है,
बट फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता है कि वो डेफिनेटली 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली आंसर आप कौन सा चूज करोगे? इनकरेक्ट के लिए फोर्थ ऑप्शन, जिसके बारे में आपको नहीं भी पता, ठीक है, वो चूज करोगे। सो अगर इसका मैं रिवर्स शो करूं कि चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट ढूंढना है और आपको पता है फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जहां पे ये लॉजिक एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको चारों के चारों ऑप्शंस आप फेमिलियर नहीं होते, ठीक है, उनमें से एक दो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं होते, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो मैं क्लास में करवाता हूं। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात जो पार्ट ए है पार्ट बी है, इन दोनों को मिला के आपको देना है मैक्सिमम 1 आवर, पार्ट सी अकेले को आपको देना है मिनिमम 2 आवर्स। यहां पे गलती मैंने करी थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरे से गलती हुई थी वो ये थी टाइम मैनेजमेंट की। सो मैं 2 आवर्स नहीं दे पाया पार्ट सी को, ठीक है, दैट्स वाई मेरे क्वेश्चंस कम यहां पे अटेम्प्ट हो पाए, जिसकी वजह से मेरे एलएस क्वालिफाई हो पाए, ठीक है। तो ये गलती मैंने सेकंड टाइम में नहीं करी, सेकंड टाइम में मैंने इसको मिनिमम 2 आवर्स दिए, ठीक है, इसको मैक्सिमम 1 आवर दिया, एंड तब जाके मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी रहेगी, एंड ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो एंड एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो विद अ गुड रैंक। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर under my guidance, then I have a news for you. Recently I have started my own online coaching classes, and जिस में जो batch है, online batch है, वो 10th of December से start हो रहे हैं. So if you are interested to join, you can contact me. जो contact details होंगी आपको description में मिल जाएंगी. Obviously अगर आपको demo classes देखनी है तो YouTube पे मेरी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल नेम इज अंकित महाजन बायोलॉजी क्लासेस, चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।